जनाब ऐसा ऊंचा फेंकिए कि पकड़ सके ना कोई, और अगर पकड़ने की कोशिश करे तो देशद्रोही हुई। बाय चांस जनाब देश का मजदूर और किसान सड़क पे आ जाए तो समझ लियो कि शासन काल में अंधभक्तों का राजा फेकू हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल और Instagram, और आप देख रहे हैं मारिया रेड एक्स YouTube चैनल में हूं मारिया। तो गाइस अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करना, YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और Instagram पर देख रहे हैं तो जनाब मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो जनाब आज की वीडियो का टॉपिक है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर तीन फोटो आ रही होंगी जिन चेहरों को आप अच्छे से पहचानते होंगे, बड़े नामचीन चेहरे हैं। पहला है कन्हैया लाल, दूसरा है जनाब शैला राशिद, और तीसरा है उमर खालिद। जनाब आजाद पसंद बेबाक विचारधाराओं के साथ इस दुनिया में जीना बेहद मुश्किल है। जिन लोगों ने अपने आजाद पसंद बेबाक विचारधाराओं के साथ समझौता नहीं किया तो जनाब वो लोग आज भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं, और जिन लोगों ने अपने आजाद पसंद विचारधाराओं के साथ समझौता कर लिया इस वक्त मौजूदा सरकार के गुणगान गा रहे हैं। जनाब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जिस महिला की फोटो आ रही है उनका नाम शैला राशिद है। आजकल जनाब शैला राशिद बड़े चर्चा के विषय में है। एक वक्त ऐसा था जनाब शैला राशिद JNU के छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, और इस वक्त जनाब समाज शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हुई हैं। उनका एक के साथ एक ब्रॉडकास्ट जमकर वायरल हो रहा। जनाब ANI के साथ जो इनकी एडिटर थी उनका नाम था स्मिता प्रकाश, जिनके साथ शैला राशिद ने एक इंटरव्यू साझा किया, और इंटरव्यू की जब क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जनाब जम के शैला राशिद ट्रोल होने लगी कि जनाब ये वही शैला राशिद हैं जिनका एक वक्त में डंका बजता था कि ये कितना बेबाक की खुली विचारधारा की है। ये तीनों वो छात्र हैं कन्हैया लाल, उमर खालिद और शैला राशिद, जिन तीनों ने सड़क से लेकर जेल तक का सफर तक तय किया अपने बेबाक विचारधाराओं के कारण। जनाब ये वही शैला राशिद हैं। हम आपको बता दें कि जब कश्मीर में धारा 370 हटी थी तो सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाने पर चुनौती देने वाली यही महिला थी जिन्होंने सरकार के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी। जनाब आखिर ऐसा क्या हुआ कि JNU में वो छात्रा जो अच्छा खासा नामचीन चेहरा थी, जनाब कौम के नाम पर तकरीरों की झड़ी लगा देती थी, वो शैला राशिद भारतीय जनता पार्टी PM नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह की इतनी आलोचना करती थी कि जनाब अपने वक्त में कोई ऐसा कार्यक्रम उनका ऐसा न जाता होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर धोया न जाए। जनाब ऐसा क्या हुआ कि बिन पेंदी के लोटे की तरह शैला राशिद बदल गई। वो औरत जो कौम के नाम पर तकरीर करती थी वो ANI के साथ एक वायरल ब्रॉडकास्ट में कहती हुई नजर आती हैं कि मुस्लिम लड़कियों का जो हिजाब है वो विकल्प की तरह है, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना छोड़ देना चाहिए, मैंने भी हिजाब पहनना छोड़ दिया है। वही शैला राशिद जो कल तक भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को बुरा भला कहती थी, वही शैला राशिद आज कश्मीर के मुद्दे पर खुल के कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के वो साथ है। आखिर जनाब ऐसा क्या हुआ इन कुछ सालों में कि जनाब शैला राशिद का हृदय परिवर्तन हो गया, वो इकट्ठा मुस्लिम कौम से कन्नी काटते हुए भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग में रंग गई। जनाब हम आपको बता दें कन्हैया लाल, शैला राशिद और उमर खालिद, तो जनाब कन्हैया लाल ने अपना दूसरा विकल्प निकाला, उन्होंने विपक्ष के साथ जुड़ के यानी जनाब कांग्रेस का दामन थाम के एक विपक्ष के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं। लेकिन जनाब ये वही कन्हैया लाल है जिनका छात्र साथी उमर खालिद जेल में बंद है, आज तक उसके ऊपर कोई बयान नहीं जारी किया। वही दूसरी ओर अगर नजर डाले तो शैला राशिद इस वक्त समाज शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है, और जनाब पर पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करने वाली हकदार बन गई है। और जनाब शैला राशिद से जब उमर खालिद के नाम पर ANI में सवाल पूछा गया ब्रॉडकास्ट के दौरान तो शैला राशिद कहते हुए दिखाई पड़ी, सवाल से कन्नी काटते हुए भारतीय जनता पार्टी के गुणगान किए। जनाब सवाल तो ये उठता है और थोड़ा अटपटा सा भी लगता है कि पिछला बीता हुआ वक्त देखे, जिस वक्त शैला राशिद भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करती थी और तो जनाब जिस वक्त भक्त शैला राशिद को विशैला पद्दार टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना और पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज वही शैला राशिद भक्तों की नई नवेली दीदी बन गई है, भक्त उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। जनाब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये लगता है कि पुरानी शैला राशिद से नई शैला राशिद में जो हृदय परिवर्तन शैला राशिद का हुआ है, जो आज शैला राशिद भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रही है, जो पिछले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाती थी, जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्चतम नेता यानी जनाब PM नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। कि जनाब कुछ सवाल है, अगर आपको इस सवालों का जवाब पता है तो कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आने वाले वक्त में शैला राशिद वो देख पा रही हैं जो कि उमर खालिद और कन्हैया लाल ने नहीं देखा, यानी जनाब शैला राशिद का केवल मकसद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना नहीं है, वो कोई बड़े पद के ऊपर
निशाना साध रही हैं या जनाब सच में भारतीय जनता पार्टी ने इतने बेहतरीन कारनामे किए हैं, उन कारनामों से इबरत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी की गुणगान करने के लिए सड़क पर उतर आई हैं शैला राशिद, या जनाब शैला राशिद के साथ साथ कई ऐसे और चेहरे हैं जो आने वाले वक्त में ये संकेत देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुके हैं। और उमर खालिद को आखिर क्यों नहीं अभी तक जमानत मिल पाई, कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।